हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसमें आज एक हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है 4218 रुपये का। तो टैक्स वैक्स लग के पूरा 4000 का प्रॉफिट बन जाएगा। और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक रहा है। और ऊपर की जो दो ट्रेड आपको दिख रही है ओवरनाइट मैंने होल्ड करी है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव पोजीशन दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल शाम के 8 बज रहे हैं, तो जब ये लाइव ट्रेडिंग चल रही थी किस टाइप से हमारा मार्केट दिखाई दे रहा था वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा है। आप देखोगे करीबन ये प्रॉफिट जो हमारा निफ्टी का मैंने कॉल ऑप्शन सेल करा था उसमें भी 1000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट दिख रहा था, तो 500 रुपये का लॉस दिख रहा था यहाँ पे। तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के भी 500 रुपये का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बन रहा था, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट होल्ड करा है। तो इस पोजीशन को फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे हम बस बता दिया है मैंने क्या था कि मेरा ओवरव्यू यहाँ पे नेगेटिव है। कल के दिन अगर ये ऊपर खुलता है तो मेरा जो इसमें SL होगा, जो मैं इसमें कॉस्ट कटिंग करूँगा वो मैं लेके निकल जाऊँगा। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मेरा जो एक्सिस बैंक का था उसमें क्या लॉजिक लगाया था मैंने और क्या उस लॉजिक से आप भी ट्रेड कर सकते हो मार्केट में आगे। तो सबसे पहले आप देखोगे मार्केट आज निफ्टी नेगेटिव था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था और एक तरह से यहाँ पे दोनों ही साइडवेज थे। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले ऑर्डर्स में आएंगे और पहला ऑर्डर मैंने जो लगाया आप देखोगे 11:60 पे लगाया मैंने, जो कि 5 मिनट पे था और 31 पे मैं निकल गया। यानी 25 से 30 मिनट में यहाँ पर मैंने पोजिशन होल्ड करा और उसके अंदर ही मेरा जो टारगेट था वो आ चुका था। और इसमें मैं और भी प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन आपको कल मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कल मुझे ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, वो चीज़ मैंने आपको दिखाऊंगा आने वाले ट्रेड में। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए जो मुझे आज प्रॉफिट आया वो मैंने यहाँ पे टेक कर लिया, क्योंकि जो आपका अगर कल लॉस आ रहा है इतना ही आपका वापस प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको जो पहले प्रॉफिट आ रहा है उसे बुक कर लेना चाहिए। मार्केट क्योंकि आज ज़्यादा साइडवेज था, मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सिस बैंक का 1340 का पुट है उसने ऊपर ही काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्लोजिंग दी है, हमारे जहाँ पे हम निकले हैं उससे भी ऊपर क्लोजिंग दी है और हाई इसने मारा था 1400 रुपये का। तो यहाँ पे मुझे और 2000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, जो मिलता है वो उसमें आप ठीक रहिए। ये नहीं कि एक बार आप निकल गए फिर घुस रहे हो, फिर निकल रहे हो फिर घुस रहे हो, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो आपको मैं एक मिनट इसका चार्ट दिखाना चाहूँगा एक्सिस बैंक का, जो मेरा लॉजिक था। तो ये रहा, ठीक है, और बेस्ट टाइम फ्रेम। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा बहुत एनालिसिस करा था। आप देखोगे यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आ रखा था इसमें ऊपर की साइड डेली टाइम फ्रेम पे, और ये एक तरह का यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बन रहा था देखोगे इस टाइप से। तो जब 3 अगस्त के दिन परसों के टाइम पर बहुत अच्छी गिरावट आई थी, तो मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फॉल करा और उस फॉल के बाद वापस मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करा, ठीक है। रिट्रेसमेंट करने के बाद आप देखोगे सेम लेवल पर मार्केट आया, तो काइंड ऑफ यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन लेवल था, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया बॉक्स के नीचे इस टाइप से। तो ये वापस इस टाइप से गया, वापस आया देन नीचे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने यहाँ पे सेल करा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको और अच्छा दिखेगा। आप देखोगे डे के हाई पे मैंने यहाँ पे कहीं पे इसे सेल करा था और यहाँ कहीं पे मैं इसमें निकल गया था, तो इतने पॉइंट मुझे 4000 का प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ तक गया था और उसके बाद पूरा साइडवेज ये हो गया है। कल के दिन देखते हैं अगर इसमें कुछ पोजिशन बनती है। तो यही मेरा ओवरऑल लॉजिक था। आप देखोगे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस 3, जो मेरे चार्ट पैटर्न है 3 EMA वाला स्ट्रेटजी है, वो भी अच्छे काम करी और रेजिस्टेंस 3 पे ही मैंने हाई पे यहाँ पे सेल करा था और काफ़ी अच्छी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो यही था आज का हमारा ट्रेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको लॉजिक अच्छा लगा हो समझना हो, क्योंकि मेन जो मुद्दा है प्रॉफिट या लॉस नहीं है, मेन मुद्दा है लॉजिक समझना कि स्ट्रेटजी सिर्फ आपको एंट्री लाती है, मेन चीज़ होती है आपकी साइकोलॉजी, कैसा आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं भी मानता हूँ अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एज अ लर्निंग प्रोसेस आप मेरे साथ सीख सकते हो क्या मैं गलती करता हूँ, क्योंकि मैं बिगनर ही हूँ, आप लोग भी बिगनर हो, तो आ जाइए जुड़ जाइए साथ में। तो कल मेरा लॉस था करीबन 5500 कुछ का, आज प्रॉफिट हो गया है 4000 कुछ का, तो ऑलमोस्ट अभी मैं 1500 रुपये के लॉस में होऊंगा। तो इसे भी रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। पिछला महीना प्रॉफिटेबल रहा था और धीरे धीरे मैं नई नई स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, कुछ मैं सीख रहा हूँ, सब चीज़ अप्लाई करके एक्सपीरियंस करने के बाद जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो मैं चीज़ बनाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।